गुड मॉर्निंग आई एम पीर मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टुडे आई वाज डिलीवरिंग लेक्चर ऑन जावा प्रोग्रामिंग द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लेट्स वी डिस्कस द मेन टॉपिक हियर इंट्रोडक्शन टू जावा। यहाँ पर हम देखेंगे कि जावा के कुछ प्रोग्राम्स मतलब जावा प्रोग्रामिंग क्या होती है और जावा के प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो बहुत सारी कॉन्सेप्ट हैं उन सब को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो कुछ टाइम के अंदर तो सबसे तो 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 पहले जावा एक व्हाट इज़ जावा तो जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा जो होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो सब काम होता है वो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम करते हैं ये डिफरेंट होती है हमारी जो प्रीवियसली चलती थी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज इससे बिल्कुल अलग होती है ये होती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा जो होती है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसके अलावा C++ भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है और तो बहुत सारी लैंग्वेजेस इंस्टेड ऑफ़ दैट प्रीवियसली हमारे पास जो लैंग्वेजेस थी जैसे C थी पास्कल थी कोबोल थी ये लैंग्वेजेस हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कैटेगरी में आती थी, थी तो हम फिलहाल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं दैट्स वाई यहाँ पे हम कुछ जो जावा लैंग्वेजेस हैं जो जावा लैंग्वेज है उसके कुछ फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के पहले हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है इन चीजों को हमें समझना पड़ता है जिसमें होता है डेटा टाइप्स सो जावा लैंग्वेज के अंदर टोटल uh, 48 डेटा टाइप्स होते हैं एग्जाम्पल के लिए जो डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं हमारे इंटीजर डेटा टाइप फ्लोट डेटा टाइप डबल कैरेक्टर बुलियन इसके अलावा देखें तो क्लास फॉर इफ एल्स While, do while इस तरह से टोटल 48 एट डेटा टाइप्स होते हैं इन डेटा टाइप्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं इन डेटा टाइप की मदद से हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर हमारा जो डेटा होता है उनको लिख सकते हैं या उनको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यहां पे हम देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं सबसे पहले यहां पे हमने लिखा क्लास और सपोज क्लास का नाम है हमारा आईपीएस एकेडमी और इसके अंदर हमने यहां पे कुछ लिखा है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ऑफ ए आर बेसिक सेंटेक्स हमने लिखा है यहां पे एक मेथड बनाइए और यहां पे मैं देता हूं इंटीजर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट वन के अंदर हम कुछ मार्क्स दे देता हूँ फोर्टी मतलब फिफ्टी और एक और इंटीजर सब्जेक्ट टू इसके अंदर कुछ सिक्सटी दे देता हूँ और कभी मैं यहाँ पे इन दोनों का टोटल करता हूँ तो इंटीजर टोटल नाम का एक वेरिएबल हम बनाए और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट वन प्लस सब्जेक्ट टू लिखा है और प्रिंट करवाने के लिए जावा के अंदर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टोटल अभी सबसे पहले जो कीवर्ड है हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम की मदद से हम यहाँ पे कीवर्ड्स के की बारे में डेटा टाइप और दूसरा होता है हमारा कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स के की बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ हम हमने देखा कि सबसे पहले हमारा जो कीवर्ड है वो क्लास है तो सबसे पहले वाला जो है हमारा कीवर्ड इसकी कैटेगरी में आता है इस प्रोग्राम के अंदर क्लास सेकंड की बात करें तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है ये पब्लिक ऑल दो ये हमारा एक्सेस स्पेसिफायर होता है तो ये भी हमारा क्या होता है कीवर्ड होता है इसी प्रोग्राम के अंदर जो लिखा है पब्लिक उसके बाद यहां पे स्टैटिक, तो स्टैटिक भी हमारा कीवर्ड होता है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर वाइट कुछ रिटर्न नहीं करना है इसलिए ये भी हमारा यहाँ पे की है और यहाँ पे मेन तो मेन यहाँ पे फंक्शन है ये हमारा कीवर्ड नहीं है ये रखिएगा इसके बाद है हमारा स्ट्रिंग सो स्ट्रिंग हमारी क्लास होती है फिर इसके बाद यहां देखिए तो हम यहाँ पे देखिएगा आपको एक इंट नाम का डेटा टाइप या इंट कीबर्ड इसके अलावा आपको यहाँ पे बाकी की चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं वो हमारे कीवर्ड्स नहीं हैं तो हम यहाँ पे इन सब चीज़ों में मतलब जो जितने हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स दिखे हैं पांच दिखे हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर वैसे बहुत सारे फोर्टी होते हैं वो अलग अलग जगह पर कौन कौन से की की जरूरत पड़ती है वो हम देखते हैं पर यहाँ पे यह पाँच की वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं और ये पाँच की वर्ड्स हम कॉमन प्रॉपर्टीज से भी देखें तो जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सब स्मॉल कैप्स में आपको दिखाई देंगे ये सब आपको दिखाई देंगे स्मॉल कैप्स में इसके बाद और बात करते हैं तो इस प्रोग्राम के अंदर और नेक्स्ट क्या है तो यहां हम देखें तो ये सामने दिखाई दे रहा है आपको आईपीएस एकेडमी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू जिनको मैं सर्कल कर दे रहा हूं और टोटल ये तीन चीजें आपको दिखाई दे रही जिनको मैंने सर्कल किया है ये सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू टोटल और आई पी और यहाँ पे एक ए नाम से भी लिखा दिखाई दे रहा है ये टोटल जो चार चीजें आपको पांच चीजें दिखाई दे रही है जो सर्कल में मैंने किया ये होते हैं आपके आइडेंटिफायर्स नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम में आइडेंटिफायर्स के बारे में तो आइडेंटिफायर हम यदि यहां पे देखें तो हमें दिखाई देगा आईपीएस एकेडमी दूसरा आपको दिखाई देगा यहां पे सब्जेक्ट वन तीसरा आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट टू और फोर्थ वन दिखाई देगा टोटल और फिफ्थ वन दिखाई देगा आपको ए आर नाम का ये कुछ आपके आइडेंटिफायर दिखाई देंगे इस प्रोग्राम के अंदर तो हम यहाँ देखें तो ये तो बात हुई हमारे आइडेंटिफायर्स की ये कुछ हमारे आइडेंटिफायर हैं ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसके अलावा इस प्रोग्राम के अंदर देखें तो हमें दिखाई देगा दिखा एक ये बॉक्स के अंदर में इसको बंद कर दूँगा एक यहाँ पे स्ट्रिंग तो ये स्ट्रिंग हमारी प्री डिफाइंड क्लास होती है कुछ क्लासेस हैं जो जावा के क्रिएटर हैं वो बना के दे चुके हैं हमें उसके अंदर आती है एक इम्यूटेबल क्लास जिसको कहा जाता है स्ट्रिंग क्लास ये स्ट्रिंग यहां पे क्लास है वैसे ही हम यहां पे देखें तो ये यह आपको यहां दिखाई देगा सिस्टम सिस्टम इज ऑल्सो प्रीडिफाइंड क्लास यहां पे आपको आउट दिखाई दे रहा है तो आउट भी हमारी क्या है प्रीडिफाइंड क्लास है ये ध्यान रखने वाली बात है यहां कि फर्स्ट लेटर जो होता है हमारी क्लास जो होती है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा तो हम यहां पे भी देखें जो स्ट्रिंग क्लास है स्ट्रिंग क्लास का भी फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल है यदि हम सिस्टम क्लास की बात करें तो सिस्टम क्लास का भी एस कैपिटल है और आउट का भी हमारा क्या है ओ कैपिटल है ये हमारी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जो जावा के डेवलपर हमें पहले से प्रोवाइड करके गए हैं मतलब जैसे हम बोल सकते हैं जो जे डी के हैं वहाँ पर हमारे पास ये वाली कुछ पैकेज इसके अंदर ये वाले सब क्लासेस अवेलेबल दिखेंगी वहाँ पर तो इनको हम सीधे सीधे यूज़ कर सकते हैं इसके बाद हम देखें तो हर प्रोग्राम के अंदर कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस होंगी कुछ कीवर्ड्स रहेंगे कुछ आइडेंटिफायर्स रहेंगे डेटा टाइप्स की भी इसमें जरूरत पड़ेगी ये बेसिक चीजें होती हैं किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए जैसे कि हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे ईट सीमेंट ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है वैसे यहाँ पे हमें जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो डेटा टाइप होते हैं कीवर्ड होते हैं क्लासेस होती हैं प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो जिनकी ज़रूरत पड़ती है हमें इसके अलावा और बात करें तो हमारे पास होती है यहाँ पे आप देखेंगे तो मैथड्स की बात तो मेथड की बात करें तो जो मेथड होती हैं वो हमारे पास जावा के अंदर दो तरह की मेथड होती है टू टाइप्स की मेथड्स होती हैं फर्स्ट वन होती है आपकी प्री डिफाइंड मेथड और सेकंड वन जो मेथड होती, होती है वो होती है हमारी यूजर डिफाइंड मेथड ये दो तरह की मेथड्स होती हैं जावा के अंदर नॉर्मली हम क्या करते हैं इन केस ऑफ जावा हम इसको बोला जाता है मेथड। यदि हम सी प्लस प्लस की बात करें तो इसी मेथड को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन तो केवल नाम के चेंजेस है बाकी सब चीजें यहां पे ऑलमोस्ट वैसी ही जैसे आप सी और सी प्लस प्लस में देखते हैं जावा में उन फंक्शंस को मेथड बोला जाता है मेथड तो भी हमारी कितनी टाइप की होती है दो टाइप की होती है एक होती है हमारी प्री डिफाइंड मेथड्स कुछ होती है हमारी यूजर डिफाइंड मैथ तो यहाँ पे हम देखें एक और चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की है कि हम जो मेथड होती है जैसे सपोज यहाँ पे हमें हम जो दिखाई दे रही है मेन और ब्रैकेट के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ इस तरह से तो हमारी जो मेथड है यहाँ पे आपको दिखाई देगी मेन इस ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग और ए आर दिखाई दे रहा है इस क्लास में ये वाला। तो जहां पे भी जिस मेथड के बाद ये जो ब्रैकेट है वो चालू होता है और बंद होता है ये हमारा आइडेंटिफाई हो जाता है यहाँ पे कि ये हमारी क्या है मेथड। तो ये मेन मेथड क्या है ये मेन मेथड हमारी पहले से बनी बनाई मेथड है जो जे डी के में जो जावा के डेवलपर्स हैं वो बना कर दे जा चुके हैं इस नाम की मेथड हम नहीं क्रिएट कर सकते ये पहले से क्या है बनी हुई है सेम सिग्नेचर की मेथड नहीं बना सकते मेन नाम की मेथड बनाई पर यहाँ पे यदि इंटीजर आर्गुमेंट दिया तो वो वैलिड होगा पर यहाँ पे स्ट्रिंग का आर्गुमेंट कुछ एरे टाइप का देंगे तो ये मेथड पहले से बनी बनाई इसलिए ये प्री डिफाइंड मैथड है कुछ मेथड है जो हम खुद भी बना सकते हैं जैसे कि हुआ आपका ये एड नाम की मेथड हमने बनाई और ये एड नाम की मेथड के बाद यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया तो ये मेथड क्या हुई है हमने खुद ने बनाई है इसलिए इस मेथड को हम क्या बोलेंगे यूजर डिफाइंड मेथड बोलेंगे अब एक और बात जब हम मेथड की बात करते हैं तो मेथड के बारे में हमको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए मेथड के केस में हमें हमने जो अभी डिस्कस किया है वो किया है मेथड हमारी टू टाइप्स की एक होगी आपकी प्रीडिफाइंड मेथड और दूसरी होंगी हमारी मेथड अब आप कहेंगे कि प्री डिफाइंड मैथड और यूजर डिफाइंड मैथड क्या है तो हमको प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड जो मेथड्स हैं हम यहाँ पे एक प्रोग्राम फिर से देखते हैं इसका रेफरेंस लेते हैं क्लास कुछ हमने एक्स जेड क्लास का नाम रखा और यहाँ पर हमने लिखा है ये जो क्लास होती है इसके अंदर दो चीजें होती हैं एक होता है जो क्लास का पार्ट वो होता है डेटा वाला पार्ट और दूसरा होता है उससे एसोसिएटेड ऑपरेशन नॉर्मली हमारी जो क्लास होती है उसमें ये दो पार्ट होते हैं एक वाला पार्ट होता है हमारा डेटा वाला पार्ट दूसरा होता है हमारा उससे एसोसिएटेड ऑपरेशन तो हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं नॉर्मली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पे हमें कुछ डिजाइन पहले दी जाती है को हमको कोड में कन्वर्ट करना होता है तो हमारे पास होती है क्लास डाइग्राम होता है उस क्लास डायग्राम के अंदर उसकी मदद से हम क्या करते हैं कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं जैसे हमने यहाँ पे एक पर्सन नाम की क्लास बनाई और इस पर्सन नाम की क्लास डायग्राम के अंदर हमने इंटीजर एज नाम का एक वेरिएबल रखा और ये जो पर्सन है वो रन कर सकता है तो उसके लिए हमने एक रन मेथड बनाई इसका डेटा टाइप में वाइट रख देता हूँ ये कुछ हमने एक डमी टाइप कर लिया है यहाँ पे मैं माइनस लगा रहा हूँ इस जगह पे हम प्लस लगा रहे हैं तो ये हमारा क्लास डायग्राम है इस क्लास डायग्राम के बेसिस पे हम क्या करते हैं हमारे प्रोग्राम्स इस क्लास डायग्राम के बेसिस पे हम क्या करते हैं हमारे प्रोग्राम बनाते हैं हम देखें तो यहाँ पे हमारी जो क्लास बनेगी मतलब जो प्रोग्राम बनेगा यहाँ पे वो प्रोग्राम बनेगा इस तरह से क्लास पर्सन यहां पे देखें तो आगे माइनस लगा हुआ है इसका मतलब है कि यहां पे जो हमारा डेटा इंटीजर टाइप जो हमारा एज नाम का वेरिएबल रहेगा या आइडेंटिफाई रहेगा उसका डेटा टाइप इंटीजर है तो हम इसे माइनस लगाए हैं तो प्राइवेट लिखेंगे अब ये प्राइवेट क्यों लगाया है प्रोटेक्टेड क्या होता है पब्लिक क्या होता है ये सब भी हम अभी समझेंगे आगे प्राइवेट इंटीजर

प्लस लगा है और जो मेथड का नाम है वो रन है तो प्लस लगा है इसलिए हम इसको लिखेंगे पब्लिक वाइट रिटर्न टाइप है आपका इस मेथड का और रन और ये मेथड होती है तो मेथड को हम इस तरह से लास्ट में आपके लगा हुआ होगा मेथड इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है मतलब यहाँ पे हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं मतलब डिफॉल्ट पैरामीटर्स है अब जब भी हम यहाँ पे खुद की मेथड क्रिएट करते हैं तो इस तरह से करले ब्रैकेट ओपन और क्लोज ये वाला पार्ट लगाते हैं और ये वाला जो क्लास है ये क्लास हमारी यहाँ पे हमने बंद की है मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमारा ये स्कोप है क्लास का और ये वाला आपका है मेथड का स्कोप यदि हम देखें तो ये कर्ली ब्रैकेट ओपन से कर्ली ब्रैकेट क्लोज क्लोज तक का जो ब्लॉक है इसको बोला जाता है मेथड की बॉडी मेथड बॉडी क्योंकि हम क्या करेंगे इस बॉडी के अंदर ही हम क्या करेंगे हमारा जो भी लॉजिक है वो लिखेंगे यहाँ का डेटा वाला पार्ट रहेगा तो हमारा जो पूरा लॉजिक होगा पूरा हमारा जो कंपटीशन करवाना, करवाना है कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए रन लिखा है मैंने यहाँ कोई ऑपरेशन हो सकता है जैसे ओप्रे, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें क्या करना है जॉब्स को शेड्यूल करना है तो ये कोई ऑपरेशन है इसलिए हम क्या करेंगे वो पूरा के पूरा जो लॉजिक है वो यहाँ पे इस मेथड के अंदर लिखेंगे और बाकी हमारी क्लास का ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पे एंड होता है अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये वाली जो हमने बनाई थी ये हमारी क्या है मेथड बनाई है तो मेथड बनाई है तो यहाँ पे हमारा क्या है ये ब्रैकेट लगाया है पहले भी मैंने बताया था कि void main public static void main तो public static void main के अंदर भी क्या होता है वो जो main लिखा हुआ है वो ब्रैकेट लगा और अंदर string of a r लिखा हुआ था वो हमारी क्या थी मेथड थी तो यहाँ पे भी हमारी क्या है यदि हम यहाँ पे बात करें तो public void run तो run क्या है आपकी मेथड है जो पब्लिक टाइप की है और इस मेथड को हम क्या कर सकते हैं दूसरी क्लास के द्वारा एक्सेस करवा सकते हैं यदि हम किसी दूसरी क्लास के द्वारा इस एज नाम के वेरिएबल को एक्सेस करवाने जाएंगे तो ये हमारे मतलब ये हम नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये वाली जो एज नाम का वेरिएबल है वो वेरिएबल आपका प्राइवेट टाइप का है और प्राइवेट वेरिएबल्स को या प्राइवेट जो डेटा मेंबर्स होते हैं या प्राइवेट मेथड्स होती हैं उनको क्लास के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते विद इन क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस होता है ये पब्लिक और प्राइवेट कब लगाते हैं और क्या डिफरेंस होता है वो अब ये तो बात हुई हमारी मेथड बनाने की तो हम हमने अभी तक सीखा कि हमारी जो मेथड होंगी वो दो तरह की होंगी फर्स्ट वन प्री डिफाइंड मैथड एंड सेकंड वन यूजर डिफाइंड मैथड तो यदि यहाँ पे बात करें कि हमने डिफाइन की है इसलिए ये वाली जो मेथड है हमारी वो है आपकी यूजर डिफाइंड मेथड मतलब यूजर ने इस मेथड को डिफाइंड किया आगे देखते हैं हम यहाँ पे इस मेथड को फिर थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करते हैं तो यहाँ लिखा है वाइट तो वाइट का मतलब होता है एक डेटा टाइप है ये कीवर्ड है वाइट का मतलब होता है कि ये मेथड जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगी तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी यदि वहां पे हम वाइट की जगह और भी कुछ लिख देते हैं तो उसका कुछ अलग मतलब होता है यदि हम यहाँ पे वाइट लिखा है इसका मतलब है कि यह मेथड यहां पे कुछ रिटर्न नहीं कर रही है ये होता है ये होता है आपका मेथड का नाम नेम ऑफ मेथड। ये होता है आपके मेथड का नाम हम यहां पे देखें क्लोजली हम यहां पे इंस्पेक्ट करें तब आपको यहां समझ में आएगा कि जो हमारी क्लास है और क्लास का नाम है इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं यदि मैंने पर्सन लिखा है या पर्सन वन लिखा है या एबीसी लिखा है तो फर्स्ट लेटर जो क्लास होती है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है कैपिटल होता है फर्स्ट लेटर जो होता है हमारी क्लास का मेथड का जो फर्स्ट लेटर रहता है वह कैसा होता है मेथड का फर्स्ट लेटर स्मॉल कैप्स में होता है जो फर्स्ट लेटर होता है अब ये रन नाम की मेथड है तो इसका फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल कैप्स में जबकि पर्सन का फर्स्ट लेटर आपका क्या है कैपिटल में ये कन्वेंसन है जावा की मतलब बहुत सारे आपको क्या मिलेगी बहुत सारे पैकेजेस मिलेंगे पहले से बने हुए एग्जाम्पल के लिए हो सकता है आपका के जावा आयो पैकेज हुआ या फिर हमारा जावा नेट पैकेज हुआ या फिर यूटीएल पैकेज हुआ तो वहाँ पर बहुत सारी हमारी क्या है क्लासेस हैं वहाँ पे बहुत सारे हमारे क्या है? प्री हैं प्री डिफाइंड क्लासेज हैं पैकेजेस हैं वहाँ पे जो भी मेथड मिलेंगी वो सब मेथड कैसे मिलेंगी उनका कन्वेंशन होगा कि फर्स्ट लेटर उसका स्मॉल कैप्स में होगा क्योंकि हमें बनाना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बना के दे जा चुके हैं जावा के क्रिएटर हैं हमें तो क्या करना है हमें तो केवल वो जो मेथड यहाँ पे बना के गए हैं उन मेथड्स को यूज़ करना है और इनके से यदि हमें क्या करते हैं हम कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हैं और वहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें यदि कोई जावा का सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई टूल बनाना है तब हमें क्या करना पड़ेगा कर? जो जावा के क्रिएटर हैं उन्होंने जो कन्वेंशन दी है उसी के हिसाब से हमें क्या करना है अपना सॉफ्टवेयर लिखना है क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो इंडस्ट्री है वहाँ पर ये बहुत जरूरी होता है तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है अब आगे की बात करते हैं हम तो इस मेथड का फर्स्ट जो लेटर होगा वो स्मॉल में होगा यदि हमारा ये जो मेथड हमने यहां रन नाम की लिखी थी ऐसा होता कि रन टाइम होता उस मेथड का नाम तो हमें जो बीच का लेटर होता है उसको कैपिटल रखना होगा ये एक और कन्वेंसर कि हमें क्या करना है जो हमारी मेथड है उसका बीच वाला लेटर है उसको हमें कैपिटल रखना है यदि हमारा एक से ज्यादा यहां पे वर्ड आ रहे हैं तब ये कन्वेंशन जो होता है ये कन्वेंशन आपका कहलाता है केमल केस केमल केस यदि एक से ज्यादा वर्ड होते जाते हैं तब हम क्या करेंगे बीच वाले जितने भी अक्षर होंगे जितने भी वर्ड्स होंगे जितने भी अल्फाबेट्स होंगे उनको हम क्या करेंगे कैपिटल कर देंगे कैमल केस ये मेथड के बारे में बात हुई आगे देखें तो हमने यहां पे लिखा है void तो इस void की जगह हम और क्या लिख सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जो ये void लिखा है ये हमारा है कीवर्ड या या वर्ड इसकी जगह पे यदि मैं यहां पे लिखता हूँ इंटीजर तो ये परफेक्टली वैलिड है पब्लिक इंटीजर रन यहाँ क्लास डायग्राम के अंदर भी आपको क्या होगा दिया हुआ मिलेगा यहाँ पे इंट लिखा हुआ मिलेगा तो ये इंट लिखा है बट यहाँ पे जब हम आप जब आप यहाँ पे पूरा लॉजिक लिख दोगे तब क्या होगा यहाँ पे रिटर्न करना करना पड़ेगी कोई इंटीजर वैल्यू जैसे सपोज मैंने यहाँ टेन रिटर्न करवा दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा जब भी हम यहाँ पे कोई डेटा टाइप वर्ड की जगह कुछ दू, दूसरा लिखते हैं जैसे इंट लिखा तब आपको इंटीज़र वैल्यू यहाँ पे क्या करना पड़ेगी रिटर्न करना पड़ेगी यदि फ्लोट लिखते हैं तो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगी यदि डबल लिखते हैं तो डबल वैल्यू हमारी वहाँ से रिटर्न होगी या मेथड हमारी कुछ रिटर्न करेगी डबल टाइप का तो ये तो हुई हमारी मेथड की बात पब्लिक का मैंने बता दिया है कि पब्लिक इस मेथड को हम आउटसाइड इस क्लास के आउटसाइड में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं एक और बात यहाँ पे कि यदि हम इस क्लास को पब्लिक बनाना चाहते हैं तब इस क्लास को भी हमें क्या करना पड़ेगा प्लस लगाना पड़ेगा तो ये जो हमारी क्लास लिखी है यहाँ इस क्लास को हमने पब्लिक डिक्लेयर कर दिया अब क्या होता है कि ये वाली जो क्लास है इस क्लास को हम क्या कर रहे हैं कहीं पे भी एक्सेस कर पा रहे हैं पैकेज के बाहर भी एक्सेस कर पाएंगे पैकेज के अंदर भी इसको एक्सेस कर पाएंगे तो ये कुछ बात हुई हमारी क्लास की मेथड की और मेथड कितने टाइप की होती हैं उनकी भी हमने यहाँ पे बात की है अब आगे आते हैं हम कि जो डेटा टाइप की हम यहाँ पे बात कर रहे थे जैसे इस क्लास के अंदर एक और छोटा सा प्रोग्राम पहले बना लेते हैं कि क्लास एड नाम की क्लास बनाई है और इस एड नाम की क्लास के अंदर हमने यहाँ पे लिखा है पब्लिक स्टेटिक इट मेन स्ट्रिंग ऑफ ए आर जी एस यहां पे हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं इंटीजर मान लो नंबर वन लिखा है इक्वल टू थर्टी इंटीजर नंबर टू इक्वल टू फिफ्टी और इंटीजर टोटल इज इक्वल्स टू नंबर वन प्लस नंबर टू और यहाँ पे हमने क्या करा है इसका टोटल कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ पर हमने टोटल को प्रिंट करवा दिया तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक और जब प्रिंट एलन वहाँ पे भी हम देखें तो ये कर्लीकेट हमारा यहाँ पे बंद हो जाता है और क्लास का कर्लीब्रिकेट हमारा यहाँ पे बंद हो जाता है अभी हम मेथड देख रहे थे तो मेथड की बात करें तो यहाँ पे आपको ये प्रिंट एलन दिखाई देगा और इसके बाद ये कर ले ये जो हमारा ब्रैकेट है वो दिखाई देगा और इसके अंदर हमने कुछ पैरामीटर पास किया तो ये मेथड हमने बनाई नहीं है देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हमने कोई मेथड क्रिएट नहीं करी केवल हम क्या करें जो पहले से बनी हुई मेथड है उसको हम यूज़ कर रहे हैं प्रिंट एलन नाम की मेथड को तो ये वाली जो प्रिंट एलन नाम की मेथड है मतलब तो तो यदि हम इस क्लास की बात करें या इस प्रोग्राम की बात करें तो प्रिंट एल नाम की मेथड आपको दिखाई दे रही है ये क्या है ये आपकी पहले से बनी बनाई मेथड है इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि ये हमारी डिफाइंड मेथड है और देखें हम यहां पे तो आपको ये वाली मेथड ये मेथड भी हमने नहीं बनाई है तो ये मेन मेथड दिखाई दे रही है ये भी आपकी क्या है प्री डिफाइंड मेथड क्योंकि हम यहाँ पे खुद से कोई मेथड क्रिएट नहीं कर रहे हैं हमने क्या करा है जो मेथड बनी हुई है केवल उसको कॉल किया तो हर मेथड का क्या होता है कुछ पर्पस होता है कुछ उद्देश्य होता है इसलिए हम क्या करते हैं मेथड्स बनाते हैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाती है वो मेथड जैसे हमने कॉल किया तो क्या करी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करी इंटरनली वो हम अभी क्रिएट करके भी देखेंगे कैसा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है क्या काम हो रहा है इसमें इसके, इसके बाद देखें हम यहां पे तो आप देखोगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है कुछ नंबर वन नंबर टू और टोटल ये तीन चीजें आपको दिखाई दे रही तो ये तीन जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो ये है, होते हैं हमारे इसको बेसिकली बोला जाता है वेरिएबल्स तो वेरिएबल्स यदि हम यहां पे देखें तो पहला वाला वेरिएबल आपको नंबर वन दिखाई देगा एक नंबर टू दिखाई देगा और एक टोटल दिखाई देगा ये तीन वेरिएबल्स दिखाई देंगे आपको तो क्या हम जो वेरिएबल्स बनाते हैं उनको बनाने के भी कुछ रूल्स होते हैं जो हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ते हैं तो नंबर वन लिखा है इसका मतलब यह है कि जो वेरिएबल है हमारा नंबर वन नंबर टू ये इसको भी मतलब इसको क्रिएट करने के कुछ रूल होते हैं वो रूल होते हैं कि हमेशा जो वेरिएबल होगा वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा जैसे एन से स्टार्ट हुआ यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं वन एन ओ लिखते हैं तो ये वेरिएबल हमारा गलत होता मतलब इस तरह से हम वेरिएबल नहीं बना सकते थे हम कैसे बना कैसे बना सकते हैं स्टार्टिंग वाला जो हमारा अल्फ़ाबेट होगा और उसके बाद हम कुछ लिख सकते हैं तो एन ओ और वन तो ये परफेक्टली वैलिड है वेरिएबल दूसरी बात करें तो जैसे हमने एज इज़ ग्रेटर ये वेरिएबल मान लो बनाया है तो यहाँ क्या हो रहा है अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं बट यहां पे हमारी स्पेस आ रही है ये व्हाइट स्पेस और यहां पे भी व्हाइट स्पेस तो ये भी जावा के अंदर वैलिड नहीं होता Although दूसरी प्रोग्रामिंग कुछ लैंग्वेजेस वैलिड नहीं होता है तो इन केस ऑफ दैट हमें क्या करना होता है कनेक्टिंग सिंबल जिसको हम अंडर स्कोर बोलते हैं तो इनके बीच में अंडर स्कोर लगाना होता है तब जाके ये क्या हो जाएगा आपका वैलिड हो जाएगा वैलिड वेरिएबल अब ऐसा कि हम कितने नंबर मतलब जो लेंथ होती है वेरिएबल की वो कितनी हम ले सकते हैं तो हम हाँ, वेरिएबल की जो लेंथ होती है जैसे कि ये एन ओ ए बी ए सी ये इस तरह से हम टोटल 256 अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं पर बहुत ज़्यादा यदि अल्फ़ाबेट हम यहाँ पे लिख देंगे तो प्रॉब्लम होगी कि रीडेबिलिटी कम हो जाएगी हमारे कोड की तो हमें जो नाम लिखने होते हैं जैसे NO1 वन लिखा है नंबर वन लिखा है तो ये क्या हो रहा है ये हमें कुछ मीनिंग दे रहा है कि हम इस प्रोग्राम के अंदर यदि कोई इस कोड को रीड करता है तब उसको पता चल जाएगा कि ये एन ओ वन मतलब नंबर वन है ये नंबर टू है इन दोनों नंबर को बाद में टोटल कराए मतलब वेरिएबल नेम हमेशा कैसा होना चाहिए मीनिंगफुल होना चाहिए यदि मीनिंगफुल होगा तो ये रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी मतलब ये जो कोड यदि पूरे कोड को सोर्स कोड कहा जाता है इस कोड को यदि कोई दूसरा व्यक्ति क्या करेगा रीड करना चाहेगा तो उससे रीड करने में परेशानी नहीं होगी इसलिए हमें क्या करना चाहिए वेरिएबल के नेम को ना तो बहुत छोटा रखना चाहिए ना ही बहुत बड़ा रखना चाहिए केवल जो मीनिंगफुल हो वैसा रखना चाहिए वेरिएबल का जो नाम होता है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होता है ये ध्यान रखेगा जैसे वन और फिर नंबर लिखा तो ये वाला वैलिड नहीं है तो इस तरह से आपको वेरिएबल क्रिएट नहीं करना है ना तो वेरिएबल क्रिएट करना है ना ही आपको जो आइडेंटिफायर है जैसे यहाँ पे आपको एड दिखाई देगा या यहाँ पे मैंने ए आर जी एस लिखा है अरे का नाम तो ये भी क्या है आपका आइडेंटिफायर तो इनके लिए हमें ये रूल ध्यान रखने हैं इन रूल की मदद से ही हम क्या कर सकेंगे कोई प्रोग्राम का मतलब ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है यदि जब तक आपको ये चीज़ों के बारे में क्लियरिटी नहीं होगी तब तक आप जो जावा के या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बड़े प्रोग्राम्स नहीं बना पाओगे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली चीज़ होती है वो नहीं बना पाओगे तो हमें पहले ये वाली चीज़ों को सीखना होगा उसके बाद हम क्या करेंगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो आगे देखें तो हमने यहाँ पे यदि ऐसा करा है इसी प्रोग्राम के अंदर हम थोड़ा सा कोड और बढ़ा देता हूँ मैं धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कुछ बड़े प्रोग्राम्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं इसके पहले एक और इम्पोर्टेंट बात कि क्या होता है हम पहले देखें कि सॉफ्टवेयर जो हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जबकि पहले ट्रेडिशनली जो लैंग्वेजेस थी वो वाली थी हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनते थे जैसे विंडोज का सॉफ्टवेयर बना था 1970 में जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज नहीं होती थी तो वो वाला सी लैंग्वेज के अंदर बना था और वो सी लैंग्वेज के अंदर का जो प्रोग्राम बना था वो प्रोग्राम प्रोसीजर ओरिएंटेड था मतलब एक प्रोसीजर को फॉलो किया गया था टॉप से डाउन की तरफ आप आपको पूरा कोड लिखना होता था मतलब ऐसा हम फ्रेगमेंट नहीं कर सकते थे कोड को हम सेगमेंट नहीं बना सकते थे तो सॉफ्टवेयर तो बन जाते थे उस टाइम पे भी बनाया था उन्होंने विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिक्कत यह थी कि वो सॉफ्टवेयर को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था वो सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी तो हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या हो जल्दी से बन जाए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो वो तेज़ चले स्पेस कम ले तो वो सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें ज़रूरत पड़ी तो आप मानिए कि ये वाला हमारा क्या है सॉफ्टवेयर तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हमने क्या करा है नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ऐसा मान लेते हैं कि ये पूरा के पूरा प्रोग्राम एक बार में लिखना होता यदि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज होती तो इतना वाला जो पूरा प्रोग्राम मैंने एक बॉक्स बनाया था ये इसको हम एक पूरा प्रोग्राम मान रहे हैं प्रोसीजर में सीधे यहाँ से स्टार्ट करते और यहाँ तक के चलते जब जाके ख़त्म होता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमने क्या करा है ये पूरा प्रोग्राम था पर हमने उसको नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया नंबर वन ये नंबर टू सपोज ऐसा मान लो कि ये नंबर थ्री है ये मान लो कि नंबर फोर है तो ये हमने क्या करा कि जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट था मतलब सॉफ्टवेयर छोटा नहीं होता बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे जो पूरा के पूरा हमारा जो सॉफ्टवेयर था ये जो पूरा के पूरा प्रोजेक्ट था उसको हमने क्या करा है छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया स्पेसिफिक पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये वाला जो पार्ट है हमारा इस पार्ट को बोला जाता है इसको मैं बोल रहा हूं पैकेज ये हमारा पैकेज बन है इसको मान लेते हैं कि पैकेज टू है ये पैकेज थ्री है ये पैकेज ट्वेंटी है ऐसा हमने कर दिया तो इससे फ़ायदा क्या होगा इससे फायदा ही होगा कि हम पैरेलली क्या कर सकते हैं हमारी जो टीम होगी एक टीम को हम ये वाला पैकेज बनाने को बोल सकते हैं दूसरा वाला जो टीम होगी वो ये वाला पैकेज को बनाएगी तीसरी वाली जो टीम होगी वो इस पैकेज को बनाएगी तो हमारा क्या होगा पैरली पे हम बहुत सारे काम एक साथ करते हैं तो हमका जो टाइम होगा सॉफ्टवेयर को बनाने का वो क्या हो जाएगा कम लगेगा अब ये वाला जो मान लो ये पैकेज वन है तो उस पैकेज वन के अंदर भी इसको मैं यहाँ से यहां पे लेके आ गया तो इस पैकेज वन के अंदर भी क्या होंगे बहुत सारे पार्ट होंगे क्योंकि एक पैकेज के अंदर क्या होती है बहुत सारी क्लासेस होती है ऐसा तो मान लो कि यहां पे क्या हुआ ये पैकेज के अंदर हमने ये इतने सारे ब्लॉग्स बना दिए ये वन टू थ्री तो ये वन आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला ये है आपकी एक ये आपका एक प्रोग्राम है तो यदि हम देखें तो पैकेज क्या होता है पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम किस टाइप के सिमिलर टाइप के जो प्रोग्राम हो उनका कलेक्शन क्या कहलाता है पैकेज कहलाता है तो एक पैकेज के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं उन पैकेजेस को मतलब उन प्रोग्राम्स को हम क्या करते हैं इकट्ठा कर, कर लेते हैं या कंबाइन कर लेते हैं कंबाइन टुगेदर कर देते हैं तो उसके बाद वो क्या बन जाता है आपका पैकेज बन जाता है और जब क्या होते हैं बहुत सारे पैकेजेस होते हैं उन पैकेजेस को हम क्या करते हैं कंबाइन कर लेते हैं उन सब पैकेजेस को हम क्या करते हैं इकट्ठा कर लेते हैं तो ये पूरा की पूरा क्या हो जाता है आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है तो ये सबसे मतलब ज़रूरी बात यह है ऑब्जेक्ट की कि हम क्या करेंगे हम तो केवल एक प्रोग्राम बनाते हैं पर उन प्रोग्राम्स को हम बाद में कंबाइन कर लेंगे और उन प्रोग्राम्स की मदद से हमारा पैकेज बनेगा पे बाद में उन सब पैकेजेस को हम क्या करेंगे इकट्ठा कर लेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा अब यहाँ पे मान लो जैसे ये वाला हमने जो सर्कल लगाया है ये हमारा प्रोग्राम है तो हमने इस प्रोग्राम को ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम सिमिलर है लॉजिक इसके अंदर अलग हो सकता है कुछ और चीज़ें अलग हो सकती हैं तो इस प्रोग्राम के अंदर मतलब ये वाला एक पार्ट है वो एक प्रोग्राम है वैसे ही यहां वाला पार्ट होगा उसका भी एक अलग से प्रोग्राम बनेगा यहाँ वाला पार्ट होगा उसका भी एक अलग से प्रोग्राम बनेगा वाला पार्ट होगा उसका भी एक अलग से प्रोग्राम बनेगा जितने भी वहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं सब क्या है मान लो प्रोग्राम्स तो इस तरह से प्रोग्राम्स बनते हैं और उन प्रोग्राम के अंदर आपको क्या बनानी पड़ेगी उन प्रोग्राम के अंदर आपको एक डेटा वाला पार्ट देना पड़ेगा और दूसरा उससे एसोसिएटी कोई मेथड है उस प्रोग्राम के अंदर तो वो बनानी पड़ेगी और इनको मतलब ये वाले जो प्रोग्राम है उनको आपस में कैसे कम्युनिकेट करवाना है कैसे मैसेज पासिंग के द्वारा यहाँ पे ये आपस में कम्युनिकेट होंगे ये सब चीजों को हमको देखना है ये बात हुई हमारी किसकी ये बात हुई हमारी प्रोग्राम की कि प्रोग्राम हमको जिस तरह से बनाते हैं थैंक यू सो मच